अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम समरीन अफजल है और मैं इस शहर में बतौर सीनियर माहिर नफ्सियात डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज DHQ हॉस्पिटल में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। और आज मैं आपको एक बहुत ही अपनी वर्किंग का इंटरेस्टिंग सा वेंचर दिखाना चाह रही हूँ। और चलें, आपका बहुत बहुत इस टीम का शुक्रिया जो हमारे पास आए और हमारे इदारे को इतना ऑनर दिया। मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किस तरह से बच्चों के नफसियाती मसाइल को हल करने में और उनको अपनी मुश्किलात को हल करने में उनकी मदद कर। अच्छा जी, इस अदारे की थोड़ी सी हिस्ट्री इस तरह से है कि हमने 2009 में बच्चों के मसाइल को जहन में रखते हुए और बच्चों के ऐसे नफसियाती मसाइल जिसमें आप ये कहें कि ऐसे बच्चे जो जहनी तौर पे माजूर होते हैं, जिसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहते हैं, डाउन सिंड्रोम है, सेरिब्रल पॉल्सी है, इसके अलावा आप ये कहें कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के साथ जो बच्चे होते हैं, ठीक है, हम उनको भी अटेंड करते हैं। उसमें ज़्यादातर आजकल जो मसला आ रहा है वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का है, यानी कि उनका लिमिटेड इंटरेक्शन होता है, सोशलाइज नहीं कर सकते हैं और कोई स्टीरियोटाइपीज वगैरह भी उनमें रिपीटेड बिहेवियर्स होते हैं और वो फिक्स्ड होते हैं कुछ एस्पेक्ट में। तो चले, मैं आपको थोड़ा सा अपनी सर्विसेज के हवाले से एक आगाही देती हूँ कि हम लोग यहाँ पे फैसलाबाद में किस किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये मेरा सबसे पहला रूम है। आपको ये मैं बताती हूँ कि जब भी हमारे इदारे में कोई पर्सन आता है तो हम इसमें हम लोग एज ए टीम वर्किंग कर रहे हैं। टीम के हवाले से हमारी टीम में सीनियर माहिर नफ्सियात, माहिर नफ्सियात, डॉक्टर्स, साइकाइट्रिस्ट, ठीक है, और फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और सेंसरी थेरेपिस्ट यहाँ पर अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत ही खूबसूरत किस्म के सेगमेंट्स भी हैं जिसमें हमने अपनी ज़रूरियात को देखते हुए वो बच्चे जो कुछ हद तक अपनी लर्निंग एक्वायर कर लेते हैं उनको कुछ ना कुछ स्किल और महारत सिखाने के लिए डिफरेंट आर्ट वर्क भी करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे एक आर्ट थेरेपिस्ट भी मौजूद हैं। अभी मैं अपनी एक सीनियर पर्सन यहाँ पे जो हमारे साथ सर्विसेज दे रही हैं, मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा अपनी सर्विसेज को हाईलाइट करें कि किस तरह से जब बच्चे मसलों के साथ आते हैं तो फर्स्ट स्टेप पे डॉक्टर साहब, डॉक्टर इम्तियाज में उनको डायग्नोस करके जब असेसमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो किस तरह से हम अपनी सर्विस देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अमीना राना, आई एम अ सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट। हमारे पास असेसमेंट का चंक है। असेसमेंट के चंक में हमने IQ की असेसमेंट, मतलब इंटेलिजेंस की असेसमेंट करनी होती है, बिहेवियर असेसमेंट करनी होती है। इसके अलावा हमने उसकी मोटर फिजिकल असेसमेंट करनी होती है, स्पीच एंड लैंग्वेज की असेसमेंट होती है। मतलब ओवरऑल हमने सारे पैरामीटर्स के ऊपर असेस करना होता है ताकि हम देख सकें कि बच्चे के साथ जो इशूज़ आ रहे हैं वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं और वो उन इशूज़ की रीज़न क्या है, हमने वो असेस कर लिया। थैंक यू। अभी जैसे मिस समीना ने आपको बताया कि हम असेसमेंट कर लेते हैं और कैटेगराइज कर लेते हैं। हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज को सर्विसेज दी जा रही हैं, एक इंडिविजुअल कैटेगरी होती है और एक ग्रुप कैटेगरी है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिसमें हमारा ज़्यादातर जो यहाँ पे सेशंस कंडक्ट होते हैं, बच्चों को सर्विसेज दी जाती हैं, वो इंडिविजुअलाइज सर्विसेज हैं। और जो दुनिया भर में एक तरीका इस्तेमाल होता है जिसको हम इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल ट्रेनिंग प्लान्स कहते हैं, उसको फॉलो करते हुए हम पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं और यहाँ पर बच्चे की थेरेपीज भी होती हैं। अभी करेंटली ये मेरे साथ मेरे कुछ फेलोज़ हैं, हम लोग कोई भी डेज़ हों उनको भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये लोग 14 अगस्त के हवाले से, ये हमारी आर्ट थेरेपिस्ट हैं और ये आपको बताएंगी कि ये बच्चों को कैसे सिखाती हैं और क्या क्या ये लोग सर्विसेज देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रबिया जमेर, करंटली आई एम वर्किंग एज एन आर्ट थेरेपिस्ट इन CBC। और हम लोग बच्चों को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें सिखाते हैं और उनको जो है वो डिफरेंट चीज़ों से स्टार्ट करके उनको जो है वो एक पाथ पे लेके आते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग जैसे 14 अगस्त आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग बच्चों के लिए ये प्रॉब्स और उनकी एक्टिविटी को हम लोग प्लान कर रहे हैं किस तरह से जो है वो 14 अगस्त को जो है वो सेलिब्रेट कर सके। इसके अलावा हम स्टूडेंट्स को जो है वो कैलीग्राफी सिखाते हैं और आर्ट से रेलिवेंट सारी चीज़ें, कलर्स के अकॉर्डिंग उनकी ड्राइंग और लाइन आर्ट से स्टार्ट करके देन हम लोग जो है वो सारी चीज़ों पर उनको लेके जाते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह से करंटली सर हम लोग जो है वो इस तरह की वर्किंग करवाते हैं स्टूडेंट्स को और दो खतूत कैलीग्राफी के हम लोग सिखाते हैं जिसमें जो है ये सारी वर्किंग जो है वो स्टूडेंट्स के से हम लोग करवाते हैं। और ये वाला जो है इसमें हम लोगों ने खत दीवानी यूज़ किया हुआ है और खत सुलस का जो है वो काम किया हुआ है और असमाल हुस्ना को जो है वो हम लोगों ने इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। जी, ये हमारा फिजियोथेरेपी का रूम है जहाँ पे हम बच्चों को मल्टीपल सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अंदर बच्चों के पोस्टरल इशूज जो होते हैं उसके हवाले से और बाकी फिजिकल वीकनेसेस के साथ जो बच्चे हों या जनरली भी उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज किया जाता है। तो हमारे पास ये है कि इस टाइम पे दो बच्चे जो हैं यहाँ पे साइकिलिंग भी कर रहे हैं। साकिब, आप सीधी करें बेटे, यहाँ पे असेसमेंट हो रही है। पेरेंट्स के साथ जो असेसमेंट होती है, हमें एक टाइम पे मल्टीपल रूम्स चाहिए होते हैं असेसमेंट करने के लिए, कहीं पे इंटेलिजेंस की मेजर हो रही होती है,
जिस तरह से हमारे इस बोर्ड पे भी इस चीज़ को हमने हाईलाइट करने की कोशिश की है कि एजुकेशनल असेसमेंट है, IQ की असेसमेंट है, अडेप्टिव फंक्शनिंग के कितने अच्छे से बच्चे जो हैं वो अपने माहौल से मुताबिक इख्तियार कर सकते हैं, चाहे वो एज के मुताबिक ये सारे टास्क कर लेते हैं। फिर स्पीच और लैंग्वेज की वैल्यूएशन करना, बिहेवियरल असेसमेंट करना, इमोशनल असेसमेंट करना, ये तमाम कंपोनेंट्स जो हैं उनको हम इनिशियल जब किसी बच्चे ने आना है, हमने डायग्नोज करना है, तो पहले हमने कैटेगराइज करना है कि वो बच्चा किस लेवल पे आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद हमने फाइनलाइज करना है कि उसको किस किस सर्विस की ज़रूरत दरकार है। अब मैं आपको अपनी सर्विसेज दिखाती हूँ, इधर आओ अहमद, शाबाश। अच्छा, ये हमारा सेंसरी थेरेपी का रूम है जिसमें हम सेंसरी थेरेपी की सर्विसेज देते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ होते हैं उनको काफ़ी सारे सेंसरी इशूज़ होते हैं, ठीक है, उसके लिए पर्टिकुलरली दुनिया भर में सेंसरी थेरेपी का एक मेथड यूज़ किया जाता है। ये रूम हमने स्पेसिफाई किया हुआ है, इन लाइट से बच्चों का फोकस इन्हेंस होता है और उनके सेंसेस के जो इश्यूज हैं उनको हम यहाँ पे एड्रेस करते हैं। जी, ये ABA के लिए और सेंसरी टेक्सचर्स के लिए रूम है, ठीक है, और इसमें हम बिहेवियरल इश्यूज वाले जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर हम यहाँ पे जो सेटिंग है उसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों को देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर टेक्सचर्स हैं, मैचिंग का आस्पेक्ट है, ठीक है, आप ये देखें कि इन चीज़ों को इस तरह से अरेंज किया गया है कि बच्चे खुद से ही इसके अंदर इंडल्ज हों। और यहाँ पे भी अगर हम लोग देखते हैं तो डिफरेंट टेक्सचर्स जो हैं उसके हवाले से कि ये कैसा फील होता है, ठीक है, जैसे ये जो है, ठीक है, सॉफ्ट है, स्क्रैची है, बम्पी है, ठीक है, ये वाले टेक्सचर से उसको एक फील देनी, उसको एक आप ये कहें कि ओरिएंटेशन देनी होती है कि बच्चा किस तरह से उस चीज़ को कर सकता है। ये एक हट बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग सा बनाया हुआ है ताकि वो जब उनमें एनर्जी और आप ये कहें कि एक्टिविटी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो के और इंटरेस्टिंग करने के लिए हमने यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं परफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताती चलूँ कि हम लोग जो अपनी सर्विस देते हैं उसकी हम जब बच्चा एडमिट हो जाता है तो उसको हम कैटेगराइज करने के बाद फाइल वगैरह भी बना लेते हैं, ठीक है, हर बच्चे की नेम से एक फ़ाइल बनती है ताकि जिस तरह से डॉक्टर साहब आते हैं या कोई भी उनका फैमिली मेम्बर आता है तो उस फाइल को उस बच्चे के नाम से उठाया जाए और डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं उसका रिकॉर्ड प्लस जो IEPs हैं उसकी डिटेल्स और जिस टास्क पे काम हो रहा है उसको डेली बेसिस पे डॉक्यूमेंट किया जाता है और कोई भी इसको कभी भी चेक करके इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकता है कि बच्चा कौन से लेवल पे। हमारा स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी का रूम है और यहाँ पर हमारी स्पीच थेरेपिस्ट हैं जो सर्विसेज दे रही हैं। चलिए, मैं स्पीच एंड लैंग्वेज की सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ चाइल्ड डीम सेंटर में। हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं जिनको स्पीच इशू होता है, मतलब उनको सिर्फ स्पीच से रिलेटेड इशू होता है, जैसे कि डिसाथिया, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, डिस्फेजिया। इसके अलावा हमारे पास डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बच्चे आते हैं जैसे कि ऑटिज्म के बच्चे। हम उसके साथ साथ बिहेवियर इशूज को रिजॉल्व करते हैं, साथ साथ स्पीच की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि बच्चे के लैंग्वेज भी फंक्शनल। 14 अगस्त की तैयारी चल रही है तो ये प्रिपरेशन करवा रही हैं आप इस साइड पे। बाकी ये है कि वोकेशनल के आस्पेक्ट में जो चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं, ठीक है, कुछ बच्चों के लिए हैं, अरेंजमेंट्स भी इसी तरह से हैं, बच्चों को सिखाया जाता है। अब वो बच्चे जो कि आप ये कहें ज़हनी तौर पे थोड़ा सा पीछे होते हैं या स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं तो इनको इंडिपेंडेंस सिखाने के लिए हमने किचन को सेटल किया हुआ है कि वो अपने लंच को गर्म किस तरह से करते हैं, ठीक है, और किस तरह से उन्होंने अपनी सर्विंग्स करनी है, सैंडविच किस तरह से रेडी करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक प्रॉपर यहाँ पर सेटलमेंट है, माइक्रोवेव भी है, फ्रिज भी है, किस तरह से बॉटल्स ले ली हैं, यूटेंसिल्स पड़े हुए हैं, बर्तन पड़े हुए हैं, उनको उस लिहाज से जो है बच्चों को गाइड किया जाता है। तो बच्चियां हैं उनको कुछ ना कुछ टास्क, ठीक है, आयरनिंग के टास्क बताए जाते हैं, फोल्डिंग का बताया जाता है, कपड़ों को हैंडल कैसे करना है, अपनी कबर्ड को कैसे हैंडल करना है। अगर आपको कभी यहाँ पे किसी इवेंट पे आने की अपॉर्चुनिटी मिले तो आप देखिएगा कि हमारे बच्चे इतने सेटल्ड बैठे होते हैं कि आप लोग इस चीज़ का आइडिया नहीं कर सकते हैं कि वो किसी तरह से भी दूसरे बच्चों से पीछे हैं। जी, ये भी हमारा वोकेशनल के हवाले से एक ग्रुप थेरेपी वाला रूम है, ठीक है, और आप ये हमारा डिस्प्ले देख रहे होंगे। इसके अंदर जो बच्चा अपनी सलाहियत के मुताबिक कोई भी आर्ट वर्क कर सकता है या जो चीज़ बना सकता है तो उसको इन एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जाता है। हमारा प्ले थेरेपी का रूम है, ठीक है, और चूँकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारे पास छोटे बच्चे आते हैं, ठीक है, और उनको हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करना होता है तो उस लिहाज से जो है हमारे पास एक सेटिंग है, हमने छोटे बच्चों के लिए जो है इस चीज़ को किया हुआ। जब भी कोई अदारा रन किया जाता है तो उसमें ह्यूमन रिसोर्स की जो पॉलिसीज़ हैं या आप ये कहें कि क्वालिटी को अशोर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स रखे जाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ लोग अप्रोच करते हैं यहाँ पे उनकी डेली की कंप्लेंट्स, स्टाफ के पैरामीटर्स, ठीक है, एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर रिगार्डिंग द वर्किंग आस्पेक्ट्स कि उन्होंने पर डे कितने आवर्स में काम करना है, बच्चे को कितनी देर की सर्विस देनी है। मिनिमम हमारी सर्विसेज एक बच्चे के लिए 2 आवर्स से लेके
4 आवर्स 6 आवर्स तक जाती हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि उसकी इलनेस के लेवल क्या है और वो कहाँ से किस तरह से और किस एज ग्रुप में है।